फेस्टिवल सीजन है तो चलो दोस्तों आज बनाते हैं कोकोनट खोया बर्फी। तो कोकोनट खोया बर्फी बनाने के लिए 2 टीस्पून घी को हीट करेंगे एक कढ़ाई के अंदर और कढ़ाई के अंदर डाला 100 ग्राम फ्रेश कद्दूकस करा हुआ कोकोनट और साथ ही में डाला 150 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट और इसको हमने घी के अंदर भुना और इसके अंदर अब डालेंगे 200 ग्राम चीनी। ऑलमोस्ट एक बाउल चीनी का हमने डाल दिया इसके अंदर और इसको भूनेंगे कोकोनट को और चीनी को एक साथ। 5 मिनट भूनने के बाद हम देखेंगे कि कोकोनट के अंदर गोल्डन रंग आ चुका है, भून चुका है। जब कोकोनट भून चुका था इसके अंदर हमने डाला 150 ग्राम खोया और साथ ही में डाली छोटी इलायची कुटी हुई। दरदरी छोटी इलायची कुटी हुई इसलिए डाली क्योंकि इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब एक कटोरी लेंगे, उसके अंदर रूम टेम्परेचर दूध लेंगे आधी कटोरी, उसके अंदर 5 चम्मच डालेंगे मिल्क पाउडर के, उसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा ये। उस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद हम इसको डालेंगे अपनी कोकोनट बर्फी के अंदर और उसको देंगे मिक्स। 2 मिनट इसको चलाएंगे कढ़ाई में कोकोनट बर्फी को और ये रेडी है हमारी कोकोनट खोया बर्फी। अब एक वेसल को ग्रीस करेंगे घी से और इसके अंदर डालेंगे मिक्सचर कोकोनट खोया बर्फी का, इसको प्रेस करेंगे एक स्पून से। अब कोकोनट खोया बर्फी को गार्निश करेंगे पिस्ता और काजू के साथ। तो कोकोनट खोया बर्फी तैयार है सबकी फेवरेट, बच्चों से लेके बड़ों तक। तो आप भी ट्राई करो और शेयर करो फीडबैक ईशा लाइफस्टाइल चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मेनी मोर टू कम।